जी हाँ, भारत में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले कुंभ की छटा बहुत समय पहले ही दिखने लगती है। मेले में देश विदेश से आने वाले असंख्य लोग भाग लेते हैं, जिसकी वजह से ये मेला भी रंग बिरंगा हो जाता है। लेकिन इस मेले का सबसे रहस्यमय रंग होता है महिला नागा साधुओं का। जी हाँ, महिला नागा साधुओं की दुनिया भी रहस्यों से पूरी भरी हुई है। नागाओं का कैसा है रहस्य लोग, महिला नागा साधुओं का कैसा है जीवन, तपस्या, त्याग, साधना और महिला नागा। नागा साधु अपने भिन्न तरीके के रहन सहन के लिए जाने जाते हैं। सिंहस्थ, महाकुंभ या फिर अर्धकुंभ के अलावा इनके दर्शन बेहद दुर्लभ होते हैं। नागा साधुओं में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी होती हैं। इनका जीवन बेहद अलग होता है। पुरुष नागा साधुओं की तरह इन्हें भी अपने परिवार को पूरी तरह से त्याग कर कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। महिला नागा साधुओं की 10 से 15 साल तक परीक्षा चलती है। इस दौरान उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इन महिला साधुओं को परीक्षा के दौरान अपने गुरु को पूर्ण विश्वास दिलाना होता है कि वो नागा साधु बनने के लायक है। पहले मुंडन होता है, मुंडन हो के हमने गंगा जी के किनारे बिठाते हैं और हाथों में दंड कमंडल रहता है। हाँ, दंड कमंडल रहता है और 7 पीढ़ी के पिंड दान करवाते हैं, विसर्जन करवाते हैं, संकल्प करवाते और पंडित अपने सब सेंट लेके हमारे पवित्र करता है गंगा जल से। फिर दूसरा स्नान करके हमारे बजरंग के ध्वजा में 7 धुनि के बीच में हमको बिठाते हुआ हमारी सद सब मिले जाता तो हम पुरुष के बराबर हो जाते। महिलाओं के नागा बनने के दौरान उनके घर परिवार और पिछले जन्म के बारे में पड़ताल की जाती है। इन्हें जीवित रहते हुए खुद का पिंडदान करना पड़ता है, साथ ही अपना मुंडन भी करवाना पड़ता है। इस प्रक्रिया के बाद महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है और वो पूरा दिन भगवान का जाप करती है। साधु संतों के बारे में आपने खूब सुना भी होगा और उनको खूब करीब से जाना भी होगा। नागा साधुओं के बारे में भी सुना होगा, उन्हें देखा भी होगा, उनकी कठोर तपस्या से भी आप रूबरू होंगे। लेकिन क्या आपने कभी महिला नागा साधु के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। तो हम आज आपको कुंभ मेले में महिला नागा साधु से मिलवाएंगे। एक आम आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि नागा साधु, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो वही होता है जो निवस्त्र होता है। लेकिन महिला नागा साधुओं के बारे में ये धारणा गलत है। दरअसल जो महिला नागा साधु होती हैं वो कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहनती। जब उनका संस्कार किया जाता है तो उन्हें संगम में, कुंभ में नहाना होता है, मुंडन होता है, तब वो वस्त्र को त्याग कर नहाती हैं और उसके बाद बिना सिला हुआ कपड़ा आजीवन पहनती हैं। तो हमारे साथ ऐसी ही महिला नागा साधु हैं। अपना नाम बताइए माता जी। सिद्धेश्वरी पुरी। माता जी, ये बताएं कि किस तरह से संस्कार होता है आप महिला नागा साधु? हाँ, संस्कार ऐसे होता है कि जब हमको गंगा के तट पर ले जाया जाता है तो वहाँ हमारे पूरे कपड़े जो सिले हुए होते हैं उसको त्याग करना पड़ता है और बिना सिले हुए कपड़े जो 5 मीटर का होता है उसको हमको मतलब उस तरीके से बांधा जाता है कि हमारे शरीर का कोई भी अंग बाहर नजर नहीं आता है। और उसके बाद फिर हमारा संस्कार होता है, हमको अपने पिछले पीढ़ियों का पिंडदान करना पड़ता है, स्वयं का पिंडदान करना पड़ता है, उसमें सारे संस्कार होते हैं, मुंडन भी होता है हमारा। यानी जीते जी आप अपना पिंडदान करते हैं? हाँ, हम अपना भी पिंडदान करते हैं, अपने 7 पीढ़ी पीछे और आगे की पीढ़ियों के भी पिंडदान करते हैं। ये तो एक अनोखी बात बताई कि अभी तक तो हम लोग अपने जो मरे हुए पूर्वज होते हैं उन्हीं का पिंडदान करते आते हैं, लेकिन आप जीते जी अपना भी पिंडदान करते हैं और जो पैदा भी नहीं हुआ उसका भी पिंडदान करते हैं। जीते हैं हमारे पूर्वज, जैसे हमारे माता पिता है, भाई बहन है, उनका सब, हाँ, जो जीवित है उनका हमको पिंडदान करना पड़ता है उनको। वो मर गए? हाँ, मतलब त्याग तो त्याग है, त्याग का मतलब ही यही है कि हम सबको त्यागे और मतलब हर तरीके से त्यागे, अपने जीवन से उनको निकाल दें। जीवन से निकालेंगे तब जब उनका हम उनको मृत्यु समझेंगे कि हमारे लिए वो मर चुके हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव का जाप होता है तो शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा। सिंहस्थ और कुंभ में नागा साधुओं के साथ ही महिला सन्यासिन भी शाही स्नान करती है। अखाड़े में महिला सन्यासिन को पूरा मान सम्मान दिया जाता है, हालांकि उन्हें पुरुष नागाओं के साथ ही रहना पड़ता है। इस दौरान
गुरु उनको दीक्षा देते हैं। परीक्षा को पास करने वाली सन्यासन को माता की उपाधि दी जाती है। महिला नागा साधुओं को पुरुषों की तरह नग्न रहकर स्नान की अनुमति नहीं होती है। महिला नागा साधु भी पुरुष नागाओं की तरह धर्म की रक्षक होती हैं। इन्हें शास्त्र के साथ शस्त्र दीक्षा भी दी जाती है। महिला नागा भी विद्याओं में निपुण होती हैं। कठिन होता है एक नागा महिला साधु बनना? महिला नागा साधु बनना कोई कठिन नहीं होता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं। हाँ, इच्छा शक्ति चाहिए अपनी। अपनी इच्छा शक्ति पर ही वो नागा मतलब साधु बनते हैं। और नागा साधु बनने का ये नहीं है कि हम पूरे तरीके से निर्वस्त्र रहें। हम बिना सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं आजीवन, लेकिन समाज में रहने की वजह से और एक मर्यादा के तहत हमको इतना छूट दिया जाता है कि आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन एक और बात, कितनी कठोर तपस्या होती है, क्योंकि एक तो इच्छा शक्ति बहुत चाहिए इतना बड़ा फैसला लेने के लिए। साधु बनने से आजकल लोग भाग जाते हैं, लेकिन आप तो महिला नागा साधु, और इसके अलावा एक और भी आप लोगों का चरण है कि जो बिल्कुल जिनसे कोई नहीं मिलता वो प्रॉपर महिला नागा साधु होती है, वो कौन होती है? वो तो फिर कंदराओं में रहती है, वो समाज में नहीं होती। वो निवस्त्र होती है, बिल्कुल निवस्त्र होती है। वो फिर जंगलों में कहीं गुफाओं में तपस्या करती, वो तो बिरले होती, कोई लाखों में एकाद होती है। अच्छा। हर कोई नहीं होता है वो फिर बहुत कठोर तपस्या है। वो फिर किसी से मिल भी नहीं पाना है उनको, किसी के आगे आना भी नहीं है उनको, कोई उनसे मिल नहीं सकता। मिलेगा भी तो वो बाहर से ही मिलेगा, ऐसा होता है। तो सुना आपने, ये महिला नागा साधु हैं जिनसे आप अभी तक रूबरू नहीं थे, परिचित नहीं थे, सिर्फ आपने नागा साधुओं के बारे में जाना था, उनकी कहानी के बारे में जाना था, लेकिन ये महिला नागा साधु हैं जिनका संस्कार पूरा उन्हीं की तरह होता है, लेकिन सिर्फ ये अपना वस्त्र तो त्यागते हैं, लेकिन सिले हुए वस्त्र त्यागते हैं, सिर्फ बिना सिले हुए कपड़े ही अपने शरीर को ढकने के लिए, वो भी समाज की मर्यादा को देखते हुए। इन्हें इनके गुरु से छूट मिली होती है कि आप बिना सिले हुए कपड़े अपने शरीर को ढक सकते हैं। कैमरामैन अश्वनी और रत्नेश पांडे के साथ कुमार सोन, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज।